Hi friends, welcome back to my channel Vidisha's Creations. In the last video we have done this much. Aaj hum isko complete karenge proper finishing ke saath. So let's start. इस एरिया के लिए जो कलर है वो हम यूज कर रहे हैं येलो. इस येलो पे जो लाइट शेड है इस पे हम थोड़ी कचनी वर्क करेंगे. अभी आप इसके ड्राई हो जाने के बाद देखेंगे, पर ये टोटल भरनी स्टाइल की मधुबनी है जिसमें आपने सिर्फ बहुत सारे कलर्स को यूज़ किया है इसको बनाने में और इसको कलर करने में. ये भी मधुबनी का एक ट्रेडिशनल फॉर्म ही है जो कि बहुत पॉपुलर है. ये हमारा हो गया है ये चीजें. अब जो हमें करनी है वो है इसका ये वाला बैकग्राउंड, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूं ग्रीन कलर. अब देख रहे होंगे कि इसमें लाइंस भी बहुत ज्यादा नहीं है डबल, और ये प्रॉपर पेंटिंग सिर्फ कलर फिल किए जा रहे हैं. इसी तरह आप उधर भी कलर करेंगे. ये ग्रीन कलर आपने दोनों साइड पे डाल दिया. अब हमारा आ रहा है एक ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है और एक ये पोर्शन बचा है जिसमें भी हम कलर ही करेंगे. ये वाला हमारा स्किन कलर है जो कि मैं करना पहले भूल गई थी. तो पहले हम इसको, ये इनका नेक पोर्शन है जिसके ऊपर ये नेकलेस थी, थोड़ा ब्लैक कलर है तो उसको पहले क्लीन करना है और फिर स्टार्ट करना है इस कलर के साथ. ये इनका स्किन नेक पोर्शन कंप्लीट हो गया है. अभी जो हमें करना है वो है, एक ये पोर्शन हमारा एम्प्टी दिख रहा है और एक ये पोर्शन दिख रहा है. इसके लिए हम कलर करेंगे, बट इसको हम भर कचनी से कंप्लीट करेंगे. इसको हम किसी और कलर से फिल कर सकते हैं. लाइक हम ले सकते हैं जो कलर वो है, हमने नहीं लिया है इस पिक्चर में, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, वो है हमारा ब्लू कलर. तो ये हम ब्लू कलर से फिल कर देंगे. फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है. कचनी में उतनी फिनिशिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जब आप भरनी करते हो तो आपको फिनिशिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जब कलर कर रहे हो तो ब्लैक पोर्शन पे आपका कलर जा रहा है, जिससे ब्लैक वाला पोर्शन आपका फेड हो जा रहा है या दिख नहीं रहा है. तो उसको आपको बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी फिनिशिंग बाद में ज़रूर दीजिए. ये हो गई आपकी ब्लू कलर.
इस कलर की इस पे आप जितनी कलर वर्क होने थे फिलर्स मतलब जो भरनी वर्क होना था वो आपका अभी हमारा ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम इस पे कचनी वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो है इनकी जो एक चीज़ हमने अभी तक नहीं की जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है हमारी इनकी आईज़ वाला पोर्शन। ये पहले हम इनकी आईब्रो बनाएंगे। जब आप ये वीडियो देखिए तो आप साथ के साथ बनाते जाइए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका तुरंत कंप्लीट भी होता जाएगा। इस पे लाइंस करनी है हमें। अब इन हेयर एसेसरीज पे जो मैंने ये हेयर एसेसरीज नहीं बोल सकते इसका जो हेयर का मैंने एक लुक दिया है इसको भी हम ब्लैक कलर से इसी तरह हम यहाँ भी देंगे क्योंकि ये भी हमारा हेयर का ही पार्ट है। ओके, ये हमारा हो गया। अब जो कलर हम यूज करेंगे वो है हमारा कलर रेड। रेड कलर से जो जो चीजें हम बनाएंगे वो है इनकी बिंदी, इनका ये अभी जो है ये हमारी जो हेयर एसेसरी बेसिकली सर के ऊपर इनका जो एक इन्होंने पहना हुआ है एसेसरीज के लिए हमने रेड कलर ही यूज किया है। इसको हम रेड कलर से कर देंगे। आप ये देख रहे होंगे जैसे जैसे कलर्स जा रहे हैं वैसे वैसे एक इसमें इनबिल्ट ब्यूटी आती चली जा रही है इस पूरे पिक्चर में। ये चीजें हमारी हो गई। अब जो चीज हम करेंगे वो है कुछ कचनी वर्क जो कि इन कलर्स के ऊपर जाएगी। टोटल भरनी थी बट इन कलर्स के ऊपर वो चाहेगी कचनी जिसमें ये पर्पल कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमने ये डॉटेड डॉटेड कचनी की आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप करिए। मुझे चूंकि शूट भी करना है तो मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि बार बार पेपर टेढ़ा करने से देखने में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होता है तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जिस एक एंगल पे हमारी स्केचबुक रखी है उसी एंगल से मैं उस पिक्चर को कंप्लीट करूँ। ये हमने पूरी कचनी वर्क दी इस येलो पोर्शन पे।
अभी हमारा एक येलो पोर्शन ऊपर भी है, इसको भी हम कचनी बोल देंगे, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये येलो पोर्शन हमारा कलर हुआ है सर्कल सा, उसी डायरेक्शन में हम सारी कचनी देंगे। ये हमारा कचनी वक्त कंप्लीट हुआ। इसको हमें रेडी रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे हाथ आ गया जिससे ये डिस्टर्ब हो गई, बट मुझे तो ये भी ब्यूटी लग रही है कि थोड़ा सा उनका सिंदूर नाक पे गिर गया और थोड़ा साइड में हो गया, इट्स ओके। यहाँ पे आप थोड़े पर्ल्स बना दो इनके, और यहाँ पे भी एक, ओके। अब इसको आपको सिर्फ आउटर एरिया में या अंदर, दोनों साइड आप दे सकते हैं, मैं सिर्फ आउटर एरिया में दे रही हूँ। ऊपर में भी आप दीजिए, ओके। अब मैं ब्लैक कलर लूँगी और ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है उस पर मैं लाइंस दूँगी। फिनिशिंग बहुत ज़रूरी थी, मैंने आपको पहले भी बोला था, तब यहाँ वाली फिनिशिंग आपके हाथ आपने कर ली। इसी तरह आप आगे आ जाइए और ये वाली लाइन्स आप कंप्लीट कर लीजिए। इस नथ को आपको कवर करना था, ओके। अगेन आपको लाइन्स यहाँ देनी है, ओके। ये आपका ग्रीन बैकग्राउंड हो गया, ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। अब मैं ब्लैक कलर से ही फिलर करूँगी, यहाँ पे ये लाइंस डालूँगी जो ये वाइट पोर्शन मेरा खाली था। क्रिएटिव होना बहुत अच्छी बात होती है, आप कितना इसमें अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं लाइंस के साथ, आप इस पे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं जो मधुबनी से रिलेटेड है। मधुबनी से रिलेटेड क्या चीज़ हैं इस एपिसोड तक आते आते आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, और आप अपने मन से चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आपको अपने आप जब आप बनाना शुरू करोगे तो जस्ट लाइक आपको लगेगा कि अब आप इसको बनाओगे या इसी सेम टू सेम चीज़ को कॉपी करोगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप ये पिक्चर बना रहे होंगे तो आप अपने कलर्स भी यूज़ कर रहे होंगे, अपने पैटर्न भी यूज़ कर रहे होंगे, अपनी लाइंस को अपने हिसाब से अपने जगहों पे यूज़ किया होगा। तो प्लीज़ जब ये पिक्चर्स बनाइए, थोड़ी डिफरेंट अगर बनाई तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर सेम टू सेम बनाई तो भी शेयर करिएगा। फिनिशिंग ज़रूर दे दीजिए इनकी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फिनिशिंग अब इसके ऊपर हम कुछ डॉट्स ऐसे डाल देंगे, ये डिज़ाइन है,
यहाँ पे बड़ा आ गया है तो हर में एक बड़ा आप डाल दीजिए, आप बड़े पैटर्न्स कर दीजिए, एक दो बड़े उसमें ज़रूर रखिए, फिर बाकी आप छोटे रख दीजिए। ऐसे आपने दे दिया, ये आपका हो गया। अब उसके बाद जो आपको बनाना है ये रेड कलर, रेड कलर पे भी आप किसी भी कलर का दे सकते हैं पैटर्न। मैं इस ब्लैक कलर से लाइंस कर रही हूँ, अभी ऐसे आपने लाइंस कर ली। अब जो इसमें पोर्शन बचा है वो है हमारा फिनिशिंग वर्क फेस का, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसको हमें ऐसे आना है, और अगर आप कंफर्टेबल ब्रश के साथ नहीं होंगे तो ये फिनिशिंग आप पेन से कर लीजिएगा। ओके, इसको आप ऐसे बनाइए या अपने कलर्स यूज करके बनाइए, जैसे भी बनाइए, अच्छा सा बनाइए, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ बनाइए। तो ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। इसमें हम बहुत सी और भी चीज़ें एनहांस कर सकते हैं, जैसे कहीं कहीं और हमने कचनी दे दी, कुछ लाइन्स दे दिए, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या देना चाहते हैं। तो तब तक प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।